जय हिंद एंड हेलो गाइज, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल ज्ञानदेह होस्ट में। और इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ छत्तीसगढ़ पब्लिक सर्विस कमीशन यानी कि CGPSC स्टेट सर्विस एग्ज़ाम 2023-2024 ऑनलाइन फॉर्म के बारे में कि कैसे आपको यहाँ पर SSC प्री का फॉर्म फिलअप करना है। तो वीडियो को देखते रहिए, आपको स्टेप बाय स्टेप पूरी जानकारी दी जाएगी जिससे कि आप इस फॉर्म को बिना किसी मिस्टेक के भर पाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं गाइज। अभी जो वीडियो में देख सकते हैं हमारी ऑफिशियल साइट jobsgyan.in है, इसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया है। जैसे ही आप लिंक ओपन करेंगे आपको यहां पर इस भर्ती के बारे में जानने को मिलेगा, जहां पर आप जानेंगे कि 242 पोस्ट आपकी निकाली गई है इसमें एंड आपका फॉर्म 30 दिसंबर 2023 तक भर पाएंगे। टेस्ट की डेट आपकी 11 फरवरी 2024 रखी गई है एंड यहां पर कौन सी पोस्ट के लिए कितनी वैकेंसी है वो आप चेक कर सकते हैं। ये सभी जानकारी चेक करने के बाद आप ऑफिशियल नोटिफिकेशन चेक करना चाहें तो नोटिफिकेशन से यहां पर पूरी की पूरी जानकारी देख लीजिएगा। अभी अगर आप इसमें एलिजिबल है और आपको अप्लाई करना है तो आप कैसे करेंगे, तो यहीं पर आपको अप्लाई ऑनलाइन लिंक दिया है। ये लिंक आप जैसे ही ओपन करेंगे आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आ जाएगा। अब यहाँ पर आने के बाद में गाइज आपका जो नाम है वो एंटर करेंगे, ये नाम आपका 10th के सर्टिफिकेट के अकॉर्डिंग होना चाहिए। फिर आपका मोबाइल नंबर एंटर करेंगे जो कि आप यहाँ पर रजिस्टर करना चाहते हैं एंड देन आपकी जो ईमेल आईडी है जो कि आप रजिस्टर करना चाहते हैं वो आप यहाँ पर डालेंगे एंड देन जनरेट OTP के ऊपर क्लिक करेंगे। गाइज जैसे ही आप यहाँ पर OTP वेरीफाई कर देंगे जो कि आपके नंबर के ऊपर आपको सेंड किया जाएगा, तो आप यहां पर लॉगिन हो जाएंगे और लॉगिन होने के बाद में आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आ जाएगा। अगर आप लॉगिन नहीं होते, कोई एरर आ जाता है, तो जो लिंक मैंने आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया है इसमें आप इंपोर्टेंट लिंक से लॉगिन लिंक ओपन कर लीजिएगा और फिर यहां पर आपकी रजिस्टर्ड ईमेल आईडी एंड जो पासवर्ड आपने बनाया है उसका इस्तेमाल करके आपको यहां पर लॉगिन हो जाना है। एंड लॉगिन होने के बाद में गाइज अब आप यहां पर कुछ ऐसा इंटरफेस देखेंगे। मेरा जो अकाउंट है यहां पर पहले से बना हुआ है क्योंकि मैंने इस वेबसाइट के माध्यम से पहले भी फॉर्म को भरा है। अगर आपने भी भरा है तो आप यहां पर पुरानी जानकारी से ही लॉगिन करेंगे, न्यू रजिस्ट्रेशन करने की आपको कोई आवश्यकता है नहीं क्योंकि वो होगा भी नहीं सेम नंबर और ईमेल पर। तो जैसे ही आप यहां पर आ जाए अब आपको यहां पर देख सकते हैं स्टेट सर्विस एग्जाम 2023 देखने को मिल रहा है। अभी आप यहां पर अप्लाई के ऊपर क्लिक करेंगे, इसके ऊपर क्लिक करने के बाद यहां पर आपकी पर्सनल इंफॉर्मेशन आएगी, तो आपको यहां पर अपनी पर्सनल इंफॉर्मेशन फिल करनी है जहां पर आपको आपका फादर नेम एंटर करना है, इसके बाद में आपको आपकी मदर का नेम एंटर करना है 10th के सर्टिफिकेट के अकॉर्डिंग। मेरी जानकारी जैसे कि मैंने कहा कि पहले से यहां पर मौजूद है क्योंकि मैंने इस वेबसाइट का इस्तेमाल करके पहले भी फॉर्म को भरा है। आपका भी सेम ही रहेगा, अगर आपने इस बार इसमें फॉर्म भर लिया और फिर इन फ्यूचर कोई भी वैकेंसी निकलती है CGPSC में तो फिर आप यहां पर सेम जानकारी का इस्तेमाल करके फॉर्म को भर पाएंगे, आपको दोबारा से जानकारी भरने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। अब यहां पर गाइज आपको नेशनलिटी में इंडियन सेलेक्ट करना है, रिलीजन आपका जो भी है हिंदू मुस्लिम क्रिश्चियन जो भी है वो बेसिकली आपको यहां पर सेलेक्ट करना है। जेंडर यहां से आपको अपना सेलेक्ट कर लेना है। मैरिटल स्टेटस आपको बताना है कि आप शादीशुदा है, अगर हां तो यस, नहीं तो आपको नो करना है। फिर डेट ऑफ बर्थ आपकी क्या है वो आप यहां पर कैलेंडर के ऊपर क्लिक करके सेलेक्ट कर लेंगे, पहले आपका ईयर फिर मंथ और उसके बाद में डे। देन यहां पर आपको आपकी उम्र देखने को मिलेगी कि 1/1/2023 तक कितने साल कितने महीने और कितने दिन की होती है। फिर यहां पर आता है बर्थ पैलेस यानी कि आपका जन्म कहां पर हुआ है, उस जगह का नाम आपको देना है, बेसिकली सिटी का नाम आप यहां पर दीजिएगा। फिर आता है डॉक्यूमेंट टू बी सबमिट बाई यू एज प्रूफ ऑफ डेट ऑफ बर्थ, तो आप डेट ऑफ बर्थ के प्रूफ में कौन सा डॉक्यूमेंट देना पसंद करेंगे, बर्थ सर्टिफिकेट, 12th का मार्कशीट या फिर ओल्ड 11 मार्कशीट या फिर 10th मार्कशीट, तो जो भी आप देना चाहते हैं वही आप सेलेक्ट कर लीजिए। फिर आता है रोल नंबर, सर्टिफिकेट नंबर शोन ऑन डॉक्यूमेंट टू बी सबमिटेड एज प्रूफ ऑफ डेट ऑफ बर्थ, यानी कि जो आप प्रूफ ऑफ डेट ऑफ बर्थ के रूप में डॉक्यूमेंट देंगे उसका जो रोल नंबर है या फिर जो सर्टिफिकेट नंबर है वो आपको यहां पर लिखना है। अब आता है छत्तीसगढ़ रेसिडेंट डिटेल, इज कैंडिडेट डोमिसाइल ऑफ छत्तीसगढ़, क्या आप छत्तीसगढ़ के स्थायी निवासी है, अगर हां तो यस, नहीं तो आप नो करेंगे। फिर आता है डिस्ट्रिक्ट नेम शोन इन डोमिसाइल सर्टिफिकेट, डोमिसाइल सर्टिफिकेट के अंदर आपकी कौन सी डिस्ट्रिक्ट है वो आपको यहां पर बताना है। लोकेलिटी आपकी क्या है वो आपको यहां पर सेलेक्ट कर लेनी है, रूरल यानी कि आपका ग्रामीण, अर्बन यानी कि शहरी, तो जहां से भी आप बिलोंग करते हो वो आप सेलेक्ट कर लीजिए। कास्ट कैटेगरी आपकी कौन सी है वो आपको बतानी, जैसे कि जनरल, UR, SC, ST, OBC जो भी है वो आप यहां पर टिक कर दीजिएगा। अगर आपकी कैटेगरी SC है तो फिर आपको यहां पर कास्ट सर्टिफिकेट की जानकारी देनी है जिसमें कि आप सर्टिफिकेट नंबर देंगे, सर्टिफिकेट इश्यूइंग डिस्ट्रिक्ट, किस डिस्ट्रिक्ट से आपका सर्टिफिकेट जारी हुआ है वो डिस्ट्रिक्ट आप सेलेक्ट करेंगे, किस अथॉरिटी के द्वारा आपका सर्टिफिकेट जारी हुआ है वो अथॉरिटी का नाम आप यहां पर एंटर करेंगे। जनरली ये सर्टिफिकेट आपका तहसीलदार, नायब तहसीलदार, SDM, मजिस्ट्रेट, इन जो अथॉरिटी है इनके द्वारा जारी होता है, तो आपको यही बताना है कि आप में आपका जो सर्टिफिकेट है इनमें से किस अथॉरिटी के द्वारा जारी किया गया है, उसकी पोस्ट का नाम आपको यहां पर लिखना होता है। फिर आता है सर्टिफिकेट इश्यूइंग डेट यानी कि कब आपका सर्टिफिकेट इशू हुआ, वो
अपडेट भी आप यहां पर सेलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद में अगर आप विकलांग है, दिव्यांग है, तो आप यस करेंगे इस वाले सवाल में, नहीं तो आपको नो ही रहने देना है। अगर आप एक्स सर्विसमैन है तो आप इसमें यस करेंगे, नहीं तो आप नो करेंगे। फिर कुछ और सवाल आपसे यहां पर पूछे हैं, जैसे कि पहला सवाल है कि आर यू गवर्नमेंट इंप्लॉय ऑफ छत्तीसगढ़ और इंप्लॉयड इन बोर्ड कॉरपोरेशन ऑफ छत्तीसगढ़ स्टेट एट प्रेजेंट। यानी कि अगर आप एक गवर्नमेंट इंप्लॉय है छत्तीसगढ़ के या फिर इंप्लॉयड है बोर्ड के अंदर या फिर कॉरपोरेशन ऑफ छत्तीसगढ़ स्टेट एट प्रेजेंट, अगर हाँ तो आप यस करिएगा, नहीं तो आपको नो करना है। फिर आर यू कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड गवर्नमेंट इंप्लॉय, क्या आप एक कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड गवर्नमेंट इंप्लॉय है छत्तीसगढ़ के प्रेजेंट में, अगर हाँ तो यस, नहीं तो आप नो करेंगे। अगर आप एक सर्विंग होमगार्ड है तो आप यस कीजिएगा, नहीं तो आपको नो करना है। फिर आता है कि आर या फिर वर यू ए शिक्षा कर्मी पंचायत कर्मी, अगर आप थे तो आपको यहां पर यस करना है, या फिर है तो आप यस करेंगे, नहीं तो आपको नो करना है। आर यू छटनी इंप्लॉय, अगर आप एक छटनी इंप्लॉय है तो यस कीजिए, नहीं तो यहां पर भी आपको नो करना है। फिर इसके बाद में यहां पर आता है इस कैंडिडेट एवर बीन अवार्डेड बाई सी जी गवर्नमेंट फॉर इंटरकास्ट मैरिज, यानी कि क्या आपको छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट ने इंटरकास्ट मैरिज के लिए अवार्ड दिया है, अगर हाँ तो यस, नहीं तो आपको नो करना है। फिर इस कैंडिडेट बीन अवार्डेड बाई छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट विद एनी ऑफ दी फॉलोइंग अवार्ड्स, यानी कि क्या आपको छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट ने इनमें से किसी भी अवार्ड को दिया है जो कि यहां पर मेंशन किए गए, अगर हां तो यस, नहीं तो आप नो करेंगे। फिर आर यू एवर एक्सक्लूडेड फ्रॉम एग्जामिनेशन, क्या आप किसी एग्जाम से निकाले गए हो अथॉरिटी के द्वारा, अगर हां तो यस, नहीं तो आपको नो करना है। फिर इज कैंडिडेट एवर, क्या आप टर्मिनेट किए गए हो या फिर पनिश्ड किए गए हो ड्यूरिंग दी टर्म ऑफ सर्विस, यानी कि आपकी जो भी सर्विस चल रही थी उसके दौरान, अगर हां तो यस, नहीं तो आप नो करेंगे। आर यू एवर डिक्लेयर्ड गिल्टी इन एनी, क्या आप किसी क्रिमिनल केस में गिल्टी दोषी ठहराए गए हो, अगर हाँ तो यस, नहीं तो आप नो करेंगे। इसके बाद जो बाकी के सवाल है ये भी आप पढ़ लेंगे, इनमें जो चीज आपके ऊपर लागू है तो यस करेंगे, नहीं तो आपको नो करना है। अभी यहां पर आपके सामने एड्रेस डिटेल आती है जहां पर आपको पहले अपना परमानेंट एड्रेस फिल करना है। तो जो भी आपका परमानेंट एड्रेस है वो आप यहां पर भरेंगे, जो आपकी स्टेट है वो आपको सिलेक्ट कर लेनी है। फिर डिस्ट्रिक्ट आपकी कौन सी है, डिस्ट्रिक्ट आप सिलेक्ट कर लेंगे। आपका पिन कोड यहां पर डालेंगे, नियरेस्ट पुलिस स्टेशन कौन सा है, नजदीकी पुलिस स्टेशन वो आप यहां पर लिख देंगे। एंड इसके बाद में यहां पर आपको आपका प्रेजेंट एड्रेस देना है, तो अगर आपका प्रेजेंट और परमानेंट एड्रेस एक है तो आप यहां पर टिक कर दीजिएगा, अगर अलग है तो अनटिक करके अलग से इसको भर दीजिए। फिर आप सेव एंड नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करेंगे। अब यहां पर गाइस आपको क्वालिफिकेशन डिटेल में क्वालिफिकेशन की जानकारी भरनी है। जहां पर आता है क्वालिफिकेशन टाइप, तो आप यहां पर सबसे पहले एसएससी मैट्रिक हाई स्कूल सेलेक्ट कर लेंगे। फिर आपको यहां पर नेम ऑफ कोर्स डिग्री के अंदर 10th एंटर करना है। एंड फिर आपको यहां पर आपका बोर्ड बताना है कि आपने किस बोर्ड के द्वारा आपकी 10वीं पास की है, जो भी आपका बोर्ड था वो आप यहां पर लिखेंगे। इंस्टीट्यूट नेम के अंदर आपको आपके स्कूल कॉलेज का नाम एंटर करना है, जहां से भी आपने आपकी जो 10वीं है वो की है। ये एंटर करने के बाद में यहां पर आप देखेंगे पासिंग ईयर, तो किस साल के अंदर आपने पास किया उस साल आपको यहां पर एंटर करना है या फिर सिलेक्ट कर लेना है। इसके बाद में रिजल्ट स्टेटस में आप पास सिलेक्ट करेंगे, मार्क्स टाइप क्या था वो आप यहां पर बेसिकली मार्क्स सिलेक्ट कर लेंगे। फिर आपको यहां पर कितने में से नंबर आए थे वो पहले लिखिए, और कितने आए थे वो आप यहां पर एंटर करेंगे, परसेंटेज आपकी कैलकुलेट कर ली जाएगी। फिर आप ऐड के ऊपर क्लिक करेंगे, ऐड पर क्लिक करने के बाद ये जानकारी यहां पर ऐड हो जाएगी। फिर आपको सेम वे में 12वीं की जानकारी देनी है, तो यहां पर आप 12वीं सिलेक्ट कीजिए। आपके कोर्स में आपको यहां पर 12th लिखना है, बोर्ड का नाम देना है, इंस्टीट्यूट नेम देना है, नाम देना है, पासिंग ईयर देना है, रिजल्ट पास सिलेक्ट कर लेंगे, मार्क्स टाइप में आप मार्क्स या फिर ग्रेड जो भी है वो सिलेक्ट करेंगे, और यहां पर ये जानकारी फिल करके इसको भी ऐड कर देंगे। देन गाइस यहां पर आपको एक बार फिर से क्वालिफिकेशन टाइप पर आना है, और जो आपकी अगली क्वालिफिकेशन है चाहे वो डिप्लोमा है या फिर ग्रेजुएशन डिग्री इन एनी स्ट्रीम फ्रॉम ए गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट, तो वो आप यहां पर सिलेक्ट करेंगे। फिर आपको नेम ऑफ कोर्स या फिर नेम ऑफ डिग्री जो भी है वो आप यहां पर लिख देंगे। एंड इसके बाद में आपको आपकी यूनिवर्सिटी का नाम देना है जहां से आपने की है, और इस यूनिवर्सिटी का नाम देने के बाद में आप यहां पर इंस्टीट्यूट नेम देंगे जहां से आपने की है। जैसे कि अगर आपने किसी डिग्री कॉलेज से किया तो आप उस डिग्री कॉलेज का नाम इंस्टीट्यूट नेम में भरेंगे, और जो आपका डिग्री कॉलेज एफिलेटेड है जिस यूनिवर्सिटी से उस यूनिवर्सिटी का नाम आप यहां पर यूनिवर्सिटी वाले सेक्शन में भरेंगे। किस साल के अंदर आपने पास कर ली थी वो साल आप यहां पर एंटर करेंगे। एंड देन यहां पर आपको रिजल्ट स्टेटस बताना है, फिर आपको मार्क्स टाइप में जो भी है वो सिलेक्ट कर लेना है। आउट ऑफ में आपको यहां पर बताना है कि कितने में से आपके नंबर आए थे और कितने आए थे वो आप यहां पर लिख देंगे। ये मैं आपको डेमो के लिए नंबर फिल करके दिखा रहा हूं, आप आपके रियल नंबर फिल करेंगे। इसके बाद फिर से आपको ऐड के ऊपर क्लिक करना है, एंड देन यहां पर टिक करना है, और फिर आपको नेक्स्ट पर क्लिक करना है। अब गाइस यहां पर आपको वर्क एक्सपीरियंस का सेक्शन देखने को मिलेगा, अगर आपके पास कोई एक्सपीरियंस है तो आप यस कीजिए, नहीं तो आप नो ही रहने दीजिए, और फिर सेव के ऊपर क्लिक कीजिए। एंड इसके बाद में आपको फोटो साइन अपलोड करना है, तो यहां पर फोटो का साइज 30 से 100 केबी के बीच में रखा है, साइन का साइज 20 से 50 केबी रखा है, और फॉर्मेट इनमें से कोई भी चल जाएगा।
अब आपको अपलोड फोटो के ऊपर क्लिक करना है, जहां पर भी आपकी फोटो फाइल है वो आपको सेलेक्ट करनी है। तो चलिए मैं यहां पर एक रैंडम फाइल सेलेक्ट करता हूं, इसको ओपन करता हूं, आपकी फोटो फाइल इस तरह से आ जाएगी। फिर आपको यहां पर आपका सिग्नेचर सेलेक्ट करना है, जहां पर भी आपकी साइन की फाइल है वो आप सेलेक्ट कीजिए एंड यहां से फिर आप इसको ओपन कीजिए एंड देन आपका साइन इस तरह से आ जाएगा। अब आपको यहां पर सेव नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करना है। अब आता है सेलेक्ट पोस्ट, तो आप यहां पर स्टेट सर्विस प्रीलिम एग्जाम 2023 सेलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद पोस्ट रिक्वायरमेंट, तो यहां पर है ग्रेजुएशन डिग्री इन एनी स्ट्रीम, तो आप इसमें यस कर दीजिए एंड यस करने के बाद में आप सेव एंड नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करेंगे। इसके बाद में यहां पर आपको नेम पूछा है, तो नेम एज रिकॉर्डेड यहां पर आपको 10th के सर्टिफिकेट के अकॉर्डिंग जो भी आपका नाम है एक बार फिर से एंटर करना है। ये एंटर करने के बाद में आप सेव एंड नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करेंगे। फिर गाइज आप देखेंगे कि आपके सामने इस तरह से आपकी जानकारी आ चुकी है, तो आप पूरी की पूरी जानकारी चेक कर लेंगे। अगर आपको लगता है कोई जानकारी गलत है तो आप उसको सही करेंगे, नहीं तो आपको यहां पर टिक करना है। और फिर जो यहां पर एक पोर्टल चार्ज है आपका ₹40 और 18% GST, ये आपको पे करनी है। इसके अलावा यहां पर आपको एग्जाम सेंटर के लिए एक प्रीफ्रेंस देनी है एंड ये देने के बाद में गाइज आप नीचे पे नाउ के ऊपर क्लिक कीजिए और पे नाउ के ऊपर क्लिक करने के बाद यहां से अग्री कीजिए एंड अग्री करने के बाद आपको पेमेंट के पेज पर ट्रांसफर कर दिया है। आप अपनी एप्लीकेशन फीस इनमें से किसी भी माध्यम से जमा कर पाएंगे। जैसे ही आप यहां से फीस जमा कर देंगे तो आप अपने फॉर्म का फाइनल प्रिंट आउट ले पाएंगे एंड इस प्रकार से आप लोग CGPSC स्टेट सर्विस एग्जाम 2023 ऑनलाइन फॉर्म को भर पाएंगे। आई होप ये प्रोसेस आपको पसंद आया होगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।